स्वागत है शानदार व्यू के साथ। ये मेरे पीछे हवा महल, लास्ट ब्लॉग हमने यहीं पे एंड किया और अगला ब्लॉग हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। आज के इस ब्लॉग में बहुत ही शानदार होने वाला है। अभी हम अल्बर्ट हॉल म्यूजियम तक का सफ़र करेंगे और देखेंगे रास्ते को, रास्ते में क्या क्या खास चीज़ें आती हैं। तो वीडियो में बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है और पूरा वीडियो देखें, अपना कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये हवा महल से हमें आगे चलना है। ये सामने का व्यू देख ले पहले तो, और इधर ये साइड में यदि हम घूम के देखते हैं तो बड़ी चौपड़ है। बड़ी चौपड़ से हमें आगे चलना है। ये बड़ी चौपड़ मेट्रो अंडरग्राउंड, और ये बाहर का व्यू पूरा। इधर ये बड़ी चौपड़, चलिए आगे और देखते हैं, चलते हैं। ये बड़ी चौपड़ के यहाँ का दूसरी तरफ का नज़ारा, आइए आगे चलते हैं। ये आगे निकलते ही दूसरी साइड में ये नज़ारा, इस रास्ते पे हमें आगे चलना है, आइए चलते हैं। और ये बड़ी चौपड़ से चलते ही आगे का जो रास्ता है, आगे आपको केसरनाथ भी दिखाई दे रहा है। उसी रास्ते में हम चल रहे हैं आगे। आप देखेंगे इसमें तो बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि हरियाली की बात करें तो जयपुर में हरियाली बहुत सारी है। अभी ये सिटी है, मेन सिटी का है, पुराना सिटी, और इसके अंदर आप देखें कितना हरियाली, कितने पेड़ हैं, और ये यहाँ का व्यू है। चलिए और आगे चलते हैं। यह त्रिपोलिया गेट का जो सिग्नल है, इस सिग्नल से हमें चौड़ा रास्ता, ये चौड़ा रास्ता का जो रोड जा रहा है इस पर हमें आगे बढ़ना है, आइए चलते हैं। ताड़केश्वर मंदिर, बड़ी चौपड़ से आकर हम जब चौड़ा रास्ता पे आते हैं तो ये यहाँ पर ताड़केश्वर मंदिर आप देख पाते हैं, और ये पूरा चौड़ा रास्ता है, आइए आगे चलते हैं। इसी रास्ते में ये स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ का, चौड़ा रास्ता, और आगे चलते हैं। और ये हनुमान मंदिर है, और ये यहाँ का पूरा शानदार व्यू, चौड़ा रास्ता, आइए और आगे चलते हैं। श्री दिगंबर जैन मंदिर, जीवो और जीने दो, ये आप देखें, गाय और शेर एक ही जगह पे पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाया गया है। ये भी इसी चौड़ा रास्ता के ऊपर, और ये पूरा चौड़ा रास्ता का व्यू, आइए और आगे चलते हैं। ये टूरिस्ट के लिए है, टूरिस्ट के लिए फैसिलिटी सेंटर है, आपको देखें बुक का एक जो है बुक स्टोर का आपको दिख रहा है, क्योंकि चौड़ा रास्ता पे ज़्यादातर किताबों की दुकानें हैं और हर तरह की किताबें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। चलिए और आगे चलते हैं। और ये सामने न्यू गेट का सिग्नल आ गया है, सामने न्यू गेट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, और ये न्यू गेट के पास में ही इधर हम घूम के देखते हैं तो ये गोलछा सिनेमा है, गोलछा सिनेमा बिल्कुल सिग्नल के पास में ही आप देख लें। और ये इस साइड का व्यू है,
आइए और आगे चलते हैं। न्यू गेट से निकलते ही सिग्नल से आगे सीधा निकलते हैं, तो इस रोड पे हम आगे बढ़ते हैं। और ये सामने इधर पार्क है, बड़ा पार्क है। इस पार्क के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं ये मेन रोड के ऊपर। तो सामने आप देखें अल्बर्ट हॉल का यहाँ पर आपको नज़ारा दिख जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। और ये आपको इसी रोड पे अल्बर्ट हॉल से पहले महाराणा प्रताप का स्टेचू दिख जाता है राउंड बोर्ड के अंदर, और सामने अल्बर्ट हॉल का व्यू आपको दिख रहा है। आइए आगे चलते हैं। और ये आपकी स्क्रीन पे अल्बर्ट हॉल का नज़ारा। शाम हो गई है तो लाइटिंग भी ऑन कर दी है। जैसे जैसे अंधेरा होगा अलग अलग तरह की लाइटिंग आपको यहाँ पर दिखेंगी। आप बने रहें वीडियो में, वो भी हम देखेंगे। और ये आप देखें सामने का रोड चलता हुआ। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।